लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है। एक लंबे इंतजार के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, इस पर संसद में सर्वसम्मत माहौल बन रहा है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि अब लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। लोकसभा में इस समय 82 महिला सांसद हैं और इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या बढ़कर 181 हो जाएगी, यानी कि 181 सीटें महिलाओं के लिए अब रिजर्व होंगी। इस बिल में संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत राजधानी दिल्ली की विधानसभा में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, यानी कि अब दिल्ली विधानसभा की 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। सिर्फ लोकसभा और दिल्ली विधानसभा ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा और 15 साल के बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं मिलेगा, ये अभी जो प्रथम दृष्टया है उससे समझ में आता है। आरक्षण की ये व्यवस्था आरक्षण के भीतर ही की गई है, यानी कि लोकसभा और विधानसभा में जितनी सीटें SC ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं उन्हीं में से 33% महिलाओं के लिए भी होंगी। इस तकनीकी तौर पर इसे समझना होगा। इसे आप इस तरीके से समझिए कि इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। अब इस बिल के कानून बनने के बाद 84 SC सीटों में से 28 सीटें SC महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी और इसी तरीके से 47 ST सीटों में से 16 ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। लोकसभा में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और SC ST के आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद भी लोकसभा में 412 सीटें ही बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं और इस हिसाब से 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए होंगी। ऐसा नहीं है कि ये जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होंगी वहां से भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां पर चुनाव नहीं लड़ सकती। इस बिल को इसलिए लाया गया है ताकि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके, एकमुश्त संख्या जो है वो सुनिश्चित की जा सके कि इतनी फीसदी यानी कि 33% महिलाएं तो सदन में होंगी ही। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन के अलावा जो सीटें उन पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, वहां से भी महिला उम्मीदवार खड़ी हो सकती हैं, चुनाव लड़ सकती हैं। बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में 181 सदस्य महिलाएं होंगी और इस समय सिर्फ 82 सांसद हैं, लेकिन अगली बार से महिला सांसदों की संख्या कम से कम 181 तो होगी ही, ये बिल कहता है। राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है वहां पर महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ये कानून लागू होगा और 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है और इस परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू होगा, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय ये कानून नहीं होगा। इस बात को आप समझिए। संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों की माने तो 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है और ये चिंता की बात है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14% के आसपास से टिकता है। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। जिन विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से अधिक है उनमें बिहार है, जहां पर महिलाओं की स्थिति 10.70% है। छत्तीसगढ़ में 14.44% महिलाओं की संख्या है विधानसभा में। हरियाणा की बात करें तो 10% महिलाओं की भागीदारी है। इसके अलावा झारखंड में 12.35%, पंजाब में 11.11% महिलाओं की भागीदारी है तो राजस्थान में 12% महिलाएं हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में 11.43% और उत्तर प्रदेश में 11.66%, जबकि पश्चिम बंगाल में 13.7
0% और दिल्ली में 11.43%, जबकि गुजरात विधानसभा में 8.2% महिला विधायक, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिर्फ एक ही महिला विधायक है। सोचिए, अब ये बिल अगर कानून की शक्ल जब लेगा तो फिर तस्वीर ऐसी नहीं होगी जैसी आज है, तस्वीर इससे बदली हुई दिखाई देगी और महिलाओं की जो संख्या है वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में बढ़ेगी और भागीदारी बढ़ेगी तो तस्वीर बदलेगी और उस बदली हुई तस्वीर का इंतजार पूरे देश में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।